नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्रवाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वीडियो प्रॉब्लम जो एवी में आती है उसके बारे में बताऊंगा, और चाइनीज़ बोर्ड में कौन सी पिन वीडियो के लिए यूज की जाती है तो इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये चाइनीज़ टीवी है, तो ये सेट टॉप बॉक्स ऑन है। मैं इसमें वीडियो ऑडियो वीडियो की आरसी केबल इसमें लगा कर आपको दिखा देता हूँ। एवी करने के बाद भी वीडियो इसमें नहीं आ रहा है। सेट टॉप बॉक्स ऑन है, टीवी भी ऑन है, लेकिन इसमें एवी मोड पर वीडियो नहीं आ रहा। ये देखिए, तो दोस्तों ये फॉल्ट कहाँ से होता है और चाइनीज़ बोर्ड में आईसी की कौन सी पिन एवी में वीडियो के लिए यूज की जाती है, तो चलिए देखते हैं। ये वाला इसमें बोर्ड लगा है, चाइनीज़ बोर्ड, आप देख पा रहे हैं, और इसके नंबर भी आप देखिए। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अट्ठासी तिहत्तर है, CSNG 6PR6। आईसी के नंबर फिर से आपको बता देता हूँ, 8873 CSNG 6PR6। तो ये रेड वाला वायर है जो वीडियो के लिए इसमें लगाया गया है, एक ग्राउंड और एक ऑडियो के लिए। तो यहाँ पर ये रेड वाला वायर वीडियो के लिए है, ये वाला, तो इससे यहाँ पर एक जम्पर लग करके नीचे लाइन जा रही है जो आईसी पे जा रही है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ से एक जम्पर के थ्रू, ये देखिए ये जम्पर यहाँ पे लगा हुआ है। सॉकेट आप देख पा रहे हैं, ये सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है, इस सॉकेट पे यहाँ से लाइन आ रही है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये PF कैपेसिटर, और यहाँ से सीधी लाइन आईसी पे आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो ये दोस्तों 24 नंबर पिन इस आईसी की वीडियो के लिए यूज की गई है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 24 नंबर पिन, इस तरह से यहाँ पर ये 24 नंबर है, और ये लाइन यहाँ से जा रही है, और ये PF कैपेसिटर, उसके बाद रेजिस्टेंस, ये देखिए कैपेसिटर, तो इनमें से रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हमें चेक करना होगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक जीनर डायोड भी लगा होता है, वो भी मोस्टली ख़राब होता है, तो ये PF कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, तो इसे हम पहले चेक करेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, ये सब करने के बाद अगर हमारा टीवी पर वीडियो नहीं आता है तो हमें मेमोरी आईसी को भी चेंज करना चाहिए। तो देखिए, मैं आज एनालॉग मल्टीमीटर ही यूज करूँगा।
तो आप गौर से देखिए। देखिए ये निडिल की तरफ देखिए आप, निडिल कुछ रेजिस्टेंस शो कर रही है, मतलब कि ये कैपेसिटर खराब है। ये देखिए, और जब भी हम कैपेसिटर पीएफ कैपेसिटर को चेक करते हैं तो कोई कंटिन्यूटी हमें नहीं दिखाती, लेकिन ये पीएफ खराब है और इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसकी जगह पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाएंगे, ये वाला 1 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का है, ये हम इसमें लगाने वाले हैं। और इसकी जगह पर आप 2.2 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट या 63 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो आईसी की दोस्तों 24 नंबर पिन वीडियो के लिए यूज की गई है, तो 24 नंबर पिन से जुड़े हुए जो भी कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं उन सभी को हमें देखना होता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैंने ये लगा दिया है। तो अब हम टीवी को ऑन करके देखते हैं। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो देखिए वीडियो इसमें आ गया है, और उस पीएफ कैपेसिटर की वजह से ये फॉल्ट बना हुआ था। और दोस्तों मेमोरी आईसी चेंज करने के बाद और पीएफ कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो इसमें लगे हुए हैं उन सभी को चेंज करने के बाद या चेक करने के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो हमें जो मेन आईसी होती है उस आईसी को रिप्लेस करना होता है। तो देखिए इसमें ऑडियो और वीडियो सब अच्छे से आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।